एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, ठीक है, बहुत मेहनती बच्चे से मिलवा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चा मेहनत करके और राजस्थान से जो है पढ़ते मतलब पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया है, आ जाइए, ठीक है ना। मेरा नाम दिनेश है, मैं राजस्थान से हूँ। मैंने 12th होते ही ना सीजीएल का तैयारी शुरू कर दिया था, तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, तो ऑफलाइन किया था, तो उस टाइम कोरोना आ गया था, तो 1-2 महीने कोचिंग की, फिर घर वालों ने मना कर दिया, तो उसके बाद ऑनलाइन कोर्स किया। तो मैं जैसे पहले कोर्स लिया एक टीचर का, तो वो थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाते थे, तो शुरू में 1-2 क्लास 3-4 क्लास तक समझ आता था, उसके बाद समझ नहीं आता था, फिर मैं दूसरे टीचर का जाके यूट्यूब पे मैराथन देखता था। तो ऐसे करके मैंने 5-6 टीचर से, जो दिल्ली के टॉप टॉप टीचर है, सबसे पढ़ा था मैं, और मेरा 10th में 12th में इतना परसेंटेज नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने 2 बार सीजीएल का ऐसे प्री दिया था 12th के साथ ही, तो प्री एक बार हो गया था, एक बार नहीं हुआ था, फिर नहीं हुआ था एक बार। कुछ चीज़ें है ना, जैसे गलतियाँ करते हैं अपन, जैसे कोर्स होता है, अभी सर का 5-6 चैप्टर हो गया ना, उसका शुरू में अपन रिविजन नहीं करते, तो कोर्स खत्म हो जाता ना, तो पीछे का सब भूल जाते हैं, तो साथ साथ रिविजन करोगे ना, जैसे अगर 5 चैप्टर हो गया ना, तो डेली का भी जो शुरू में पढ़ाया था ना, उसका डेली का 10-20 क्वेश्चन भी करते रहोगे ना, तो साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा। मैंने वो गलतियाँ बहुत सारी की थी। और जैसे मेंस्ट्रुएशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो एलजेब्रा है, उनके अपना फॉर्मूले याद नहीं करते, अपन छोड़ देते कि लास्ट में याद करेंगे, ऐसे करके एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और लास्ट में याद नहीं हो पाता। बहुत से ना स्टूडेंट है जिनको याद नहीं है फॉर्मूले, और वो क्वेश्चन मतलब उनको आते हैं लेकिन फॉर्मूले की वजह से बना नहीं पाते, तो ऐसी गलतियां मत करना जो मैंने की, क्योंकि मैंने 3 साल में सिर्फ गलतियां ही की है, थोड़ा अभी एक्सपीरियंस हो गया तो पता है कि क्या नहीं करना है, तो आप वो गलतियां मत करना। सब तैयारी किया शुरू किया तो ना सीजीएल को मैं हलवा समझता था, लेकिन हलवा नहीं है। जैसे अगर 7,000 वैकेंसी आ रही है ना, तो ये समझ लो 3-4 हज़ार तो जो सिलेक्टेड है ना पुराने वही ले जाएंगे, और जो आप सर के पास पढ़ रहे हो, तो ऐसे मान लो ऑल इंडिया के ना मैथ के सबसे बेस्ट टीचर के पास पढ़ रहे हो। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो जैसे सीआई का ना किसी भी टीचर से ना मैराथन लेके देख लेना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सर का कंटेंट ऐसा है कि आप मेंस लेवल की तैयारी साथ में हो रही है। इसके अलावा जो सर का दोनों बुक है ना, अर्थमेटिक एडवांस, वो कर लो, उसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है, पिनेकल का भी नहीं है जरूरत, इतना कंटेंट है उसमें। और जो पढ़ाने का तरीका, सर एक क्वेश्चन को 3 बार एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी टीचर नहीं करेगा आपको, आप ऑफलाइन भी करके देख लो। मैं 1 महीना दिल्ली भी रहा था, वहाँ पे एक तो दिल्ली में वो माहौल नहीं मिल पाता, और वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, डाउट वगैरह कोई बताता नहीं है टीचर,